नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के इस यूट्यूब चैनल में। आपके लिए नए नए अमेजिंग तरीके से सॉल्व किए हुए मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन और एक्सरसाइजेज लेकर उपस्थित हैं आप सभी के बीच। देखते रहिएगा अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज की इस वीडियो में क्या खास रहने वाला है ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। आज क्या कुछ रहने वाला है विशेष इस वीडियो में जानेंगे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स और सांख्यिकी, जिसमें हम आज पढ़ेंगे माध्य के बारे में, मीडियन के बारे में। जी हाँ, पहली वीडियो में हमने माध्य निकालना सीखा था, किस तरह से अवर्गीकृत और जो मैनेज्ड होता है वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसका हमने माध्य कैसे निकाला। लेकिन आज हम सीखेंगे कि मीडियन कैसे हम निकालते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो माध्यक और जो बहुलक, हमारी आने वाली वीडियो जो है वो बहुलक के बारे में होगी। ये एनसीईआरटी जो हमारा एचपी बोर्ड है उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने वाला है आपके लिए। आज की वीडियो को आप अंत तक देखें, अवश्य देखें। और मैं चाहता हूं कि कोविड काल में बहुत सारे बच्चे स्कूल ना खुलने के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप प्लीज अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हो सकता है हमारे एक छोटे से प्रयास से किसी बच्चे के 5 मार्क्स आ जाएं और वो बच्चा इस क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सके। तो इस नेक काम को करने के लिए आप मेरा सहयोग करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि माध्यक का जो फॉर्मूला है वो आप पहले फॉर्मूला एक बार अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा और इसको लर्न बेशक कर लें। मीडियन का फॉर्मूला जो है L+, ये L है आपके पास जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज L+(n/2) -CF/F×H। ये सारी चीजें क्या क्या है अलग अलग, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। एल जो है हमारे पास है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। हम क्या करेंगे, जैसे हमने माध्य निकालते समय एक वर्गीकृत टेबल देखा था, उसमें वर्ग बने थे और उस वर्ग में हमारे पास 5, 6, 7, 8 वर्ग होंगे। उसमें एक वर्ग ऐसा होगा जिसको हम मीडियन या फिर माध्यक वर्ग या मीडियन क्लास लेकर उसको संबोधित करेंगे। कौन सा होगा वो मीडियन क्लास, ये डिपेंड करेगा हमारे n/2 के ऊपर। और व्हाट इज n, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि n क्या होगा। n हमारे पास है प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कितने लोगों के बारे में हमने सैंपल लिए, कितने लोगों से हमने डाटा कलेक्ट किया, दैट इज n, n/2 उसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद बात आती है CF की। व्हाट इज CF? CF एज द नेम इंडिकेट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C फॉर क्यूमुलेटिव, F फॉर फ्रीक्वेंसी। तो CF क्या होगा, उसी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। हिंदी में इसको संचयी बारंबारता कहेंगे और इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। व्हाट इज मीडियन क्लास, ये मैंने आपको कहा कि n के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी अगले एग्जांपल में या अगले स्टेप में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा दैट इज एफ। एफ क्या होता है, जो हमारा माध्यक वर्ग होगा, मीडियन क्लास होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड एफ। फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता, ठीक है। और एक अंतिम बिंदु जो है हमारे पास दैट इज एच, ये वाला बिंदु। ये एच क्या होता है, एच मीन्स हाइट। इसकी हाइट, वर्ग अंतराल की हाइट, वर्ग अंतराल जो इंटरवल, क्लास इंटरवल है उसकी हाइट। जैसे मान लो आपका एक वर्ग अंतराल 0 से 4 है या 4 से 8 है, तो उसका जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड हाइट ऑफ दैट इंटरवल। मतलब जो उसकी छोटे निम्न क्लास और उच्च क्लास का जो बीच का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड वर्ग का माप, उसको हम कहेंगे साइज ऑफ द क्लास एंड दैट इज नोटेड बाय एच। तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूं कि एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n/2 क्या है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन। टोटल जैसे मान लो हमने 25 लोगों का आंकड़ा लिया तो n कितना होगा, 25। सिंपल, n/2 उसका हाफ हो जाएगा। CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। F क्या है, फ्रीक्वेंसी। H क्या है, हाइट ऑफ द क्लास। अब बात आती है संचयी बारंबारता कहां से। देखिए जब हम वर्ग निकालेंगे तो एक संचयी बारंबारता मतलब क्यूमुलेट, इकट्ठा होना जिसको हम कहते हैं, संग्रहित करना, ऐसी एक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वो कैसे हम निकालेंगे अभी देखते हैं इससे अगली स्लाइड में कि अब आपके पास क्या आने वाला है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्या है, आपकी बुक से लिया गया है। किसी मोहल्ले के 25 लोगों की मासिक खपत निम्न दी गई है, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द 25 पीपल्स इन ऑफ ए फैमिलीज
फाइंड द मीडियन एक्सपेंडिचर, आपने मीडियन एक्सपेंडिचर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा, एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि मासिक खपत, ये देखिए यहाँ पे ये वर्ग है 65 से 85, 85 to 105, 105 to 125, ये एक क्लासिकल है, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ के बीच में। अब यदि हम एच की बात करें तो यहाँ से एच आप निकाल सकते हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस जो है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो दिस डिफरेंस इज 20, ये डिफरेंस 20 आ रहा है, तो हमारे पास जो एच होगा दैट इज 20, ठीक है। अब बात करते हैं एन की, तो एन हमारे पास रहने वाला है 25, बिकॉज वी हैव टू टेक ओनली 25 पीपल, हमने 25 लोगों का आंकड़ा इकट्ठे किया, तो एन कितना होगा 25। अब एन अपॉन टू कितना होगा 25/2, दो चीजें तो हमारे पास क्लियर होगी, एन हमें पता है, एन बाई टू भी पता है हमें, एच भी यहाँ से पता चल जाता है। अब बात आती है एल की, तो एल क्या होता है, एल होता है हमारी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी, मीडियन जो हमारा निकलेगा, मीडियन क्लास या फिर माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कौन रहेगा, दैट डिपेंड अपॉन एन, और एन से ज्यादा डिपेंड हो रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अभी हमारे पास क्या है, मासिक खपत है और केवल उपभोक्ता की संख्या है, मतलब बारंबारता है, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अगले स्टेप में पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इस तरह से हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। देखिएगा मासिक खपत, ये एक्सपेंडिचर हमने वही लिख दिया, उपभोक्ता की संख्या जो नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट इज बारंबारता, उसको हमने इस तरह से लिख लिया 25 से। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, संचयी बारंबारता हिंदी में कहेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड करके लिखते रहना, 4, 4+6, 4+6+3, 4+6+3+7, एंड 4+6+3+7+5, एंड सो ऑन, और आप देखेंगे कि इसका जो टोटल आंसर वो ही आएगा जो यहाँ पे एन आपके पास दिया है, देखो 25 और 25, ठीक है। अब बात आती है कि विच इज द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सा होगा, तो देखिए मीडियन क्लास आपका कौन सा हमने लिया यहाँ पर, ये क्यों लिया मैं आपको बता रहा हूँ, हियर द नंबर ऑफ टोटल सेक्शंस कितने थे हमारे पास 25, एन कितना हुआ 25, सो एन अपॉन टू बिकॉज द फॉर्मूला वी नीड एन बाई टू, हमें एन बाई टू चाहिए, तो एन बाई टू 25/2 और 25/2 इज इक्वल टू 12.5। अब ये 12.5 जो है दिस विल डिसाइड, ये डिसाइड करेगा कि मीडियन क्लास कौन सा रहने वाला है। अब देखना आपने बड़े ध्यान से, पहले वाले कॉलम में हमारे पास केवल वैल्यू है 4, मीन्स जो पहला वर्ग अंतराल है वो केवल 4 तक की वैल्यू तक वैलिडेट करता है, नेक्स्ट करता है केवल 10 तक की वैल्यू को, 10 से ऊपर ये अपने पास एक्युमुलेट नहीं कर सकता है। अब अगला अगर आप अगला वर्ग देखेंगे, अगली क्लास देखेंगे, तो यहाँ पर 13 तक की वैल्यूज आ सकती है, इट मींस 12.5 भी इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यदि हम अगला देखेंगे तो 20 मोर देन हो गया, 25 इज ऑल्सो मोर देन, सो द मीडियन क्लास विल बी दैट क्लास, ये जो हमारा वर्ग अंतराल है ये कहेगा हमारा माध्यक वर्ग या फिर मीडियन क्लास, इसको आप बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जैसे ही हमारे पास मीडियन क्लास निकल जाती है, सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर, देखिए सबसे पहले एन हमें पता है कितना है 12.5, तो इस एन के बाद एकदम हमें मीडियन क्लास का पता चल गया कि 12.5 कहां पे मिलेगा, इस वर्ग में मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा जो वर्ग है ये बन गया हमारे पास मीडियन, ठीक है, मीडियन क्लास। अब दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड दिस इज द हायर लिमिट, सो द लोअर लिमिट विल ये क्या बनेगा, लोअर लिमिट एल, अभी हमने बात की थी कि लोअर लिमिट कौन सी होगी एल, तो एल कितना हो जाएगा 105, और अपर लिमिट कितनी है वो हमें चाहिए नहीं है, हमें लोअर लिमिट चाहिए, तो एल भी हमारे पास यहाँ पर निकल चुका है। हियर द साइज ऑफ द क्लास, इस क्लास का साइज क्या है 85, 65 और 85, इन दोनों का अगर हम माइनस डिफरेंस देखें बीच में तो दिस इज 20। बारंबारता फ्रीक्वेंसी, अब हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मीडियन क्लास एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, हाउ मच 3। अब देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अभी हमने बात की थी, संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाली जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, इट मींस कौन सा होगा यहाँ पर, ये 10, कौन सा होगा 10, ये हुई हमारी संचयी बारंबारता सी एफ, इसको हम नाम देंगे सी एफ, इज जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। और अगला हमारे पास है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड लोअर लिमिट विच 105, 105 आपके पास क्या आ चुका है एल,
ये जो थ्री आपके पास आया, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एफ एंड दिस इज योर सी एफ और दिस इज योर एन बाई टू। नाउ पूरे फॉर्मूला में सारी चीजें क्लियर हो चुकी है हमारे पास। एच इज ऑल्सो देयर, एच कितना आ गया आपके पास 20। पांच चीजें जो थी वो हमें जरूरी थी। सबसे पहले एल प्लस एन बाई टू निकल चुका है, माइनस सी एफ अपॉन एफ, कहा गया एफ अपॉन एफ और मल्टीप्लाई 20। देखिए हम इसको फॉर्मूला में डाल के किस तरह से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। ये देखिए हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं मीडियन। एल हमारे पास था जो लोअर लिमिट 105, प्लस का प्लस एन बाई टू कितना था 12.5, माइनस का माइनस, सी एफ कितना था 10, एफ कितना था 3, मल्टीप्लाई 20। जब हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो यहाँ पर देखिए 12.5 में से इसको माइनस किया, वी विल लेफ्ट विद 2.5, यहाँ पर 2.5 आया, मल्टीप्लाई 20 किया, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 105 वैसे ही रहा, ये 50 बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये दिस इज 50। अब इन दोनों का एलसीएम जब हम यहाँ पर लेते हैं, इसका बटा एक था तो 105 का बटा जब एक हुआ, इन दोनों का 3 और 1 एलसीएम 3 आया, 3 315 प्लस ये 50 हुए। इन दोनों को जब प्लस किया तो हमारे पास कितना आया 365/3, और 365/3 को डिवाइड किया हमने 3 से, सॉरी 365 को, दिस इज योर आंसर 121.6। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया माध्यक का, और ये आपको देगा एग्जाम में पूरे कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। आइए इसको समझते हैं एक और उदाहरण की सहायता से। निम्न सारणी में नियोन बल्बों के जीवन काल का माध्य निकालना है। आपके पास नियोन बल्ब ये हैं और उनका जो लाइफ टाइम है, स्पेन है, वो हमने निकालना है किस तरह से। ये क्वेश्चन है, जीवन काल लाइफ टाइम उनका दिया है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, दिस इज द इंटरवल, और ये उनकी बल्बों की संख्या, नंबर ऑफ बल्ब। तो आपने करना क्या है, अगर हम पिछले क्वेश्चन को आधार मान के चलें तो यहाँ पर हमने एक संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना है, और वहां से हम एन निकालेंगे। एन कितना है दिया है 400 है, 400 को हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एन बाई 2 कितना आएगा 200। अब हमें ये चेक करना है कि वो 200 इनमें से कहाँ पे स्टैंड करेगा। जहां पे 200 स्टैंड करेगा दैट विल आवर मीडियन क्लास, वो होगा हमारा माध्यिक वर्ग। आइए चलते हैं संचयी बारंबारता निकालने के लिए। ये देखिए जीवन काल, ये हमारा सॉल्यूशन है, जीवन काल लाइफ टाइम वही पे दिया है, बल्ब की संख्या वही है। संचयी बारंबारता निकालने का बहुत आसान तरीका है, दैट इज 14, 14 प्लस 56 ये 70 आ गया, 6 प्लस 60 और किया इसमें, प्लस 86 और किया, प्लस ये किया, प्लस ये किया और प्लस ये किया, तो हमारे पास क्या आया 400, मतलब एन जो हमारे पास था टोटल आंसर वो आ गया 400। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ हियर एन 400, एन बाई टू कितना हो जाएगा 200। जब 200 को हमने चेक किया, वी चेक्ड दैट 200 कहाँ आएगा, तो 200 हमें मिला, देखो 14 में तो 200 नहीं आएगा, 17 पे नहीं आएगा, 130 पे नहीं आएगा, 216, हमें लगा कि 216 में 200 भी कवर करेगा। सो दिस इज आवर मीडियन क्लास, दिस इज आवर माध्यक वर्ग। एक चीज का बेटा ध्यान रखना कि माध्यक वर्ग जब आपने निकाल लिया तो आपने बहुत सारी चीजें यहां से फाइंड आउट कर ली। अब देखिएगा, दिस इज आवर लोअर लिमिट, सो इट विल डिनोटेड एज एल, ये होगा हमारे पास L कितना 3000। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास, F कितना आ गया 86, एंड CF क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, दिस इज आवर CF, ये हो गया आपके पास CF। तो आपको CF भी पता लग गया, F भी पता लग गया, L भी पता लग गया, एंड व्हाट इज द इनका साइज कितना है, यहां से इसको हम माइनस करेंगे तो दिस इज द साइज इज 500। आपके पास एच भी आ गया कितना 500। नाउ यहां पर भी आप देख सकते हो एन 400 है, फ्रीक्वेंसी 86 आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130, क्लास इंटरवल 500, एंड लोअर लिमिट कितनी आ गई आपकी 3000। हियर इज द सॉल्यूशन, मीडियन माध्यक एल प्लस वही फॉर्मूला, एल की जगह 3000 आएगा, एन बाई टू 400 बाई टू 200, माइनस सी एफ 130, एफ कितना था 86 और एच कितना था 500। कैसे, मीडियन देखिए 3000, 200 में से 130 को माइनस किया तो वी विल लेफ्ट विद 70, हमारे पास 70 आया, और 70 से हमने पहले इन दोनों को क्या किया, आपस में इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 75 35, ये 35000 यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब इसको हमने 86 से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 406.97। उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में प्लस किया, 3000 प्लस 406 एंड आंसर इज 340,000।
वी हैव फाइंड द मीडियन ऑफ दैट 400 नियॉन बल्ब, उनका हमने लाइफ टाइम जो है उनका हमने माध्यक यहाँ पे निकाल लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से। तो आपसे अनुरोध है कि बने रहें, हमारी वीडियोस देखते रहें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि पीछे भी मुझे भी कमेंट मिले थे पिछली वीडियोस के माध्यम से कि 13.3 सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भेजिएगा, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि 13 की आपकी जो वीडियो है मेरे पास बनी है मैं उसको सेंड कर दूंगा, लिंक भी इस वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। तो टिल देन आप बने रहे इस चैनल के साथ जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, कुछ भी क्वेरी सॉल्यूशन आप कुछ हिंट हमें सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज इस नंबर पर आप कमेंट करें और बने रहें इस चैनल के